भाई ध्यान से देखो, ये टंकी है ना, टंकी के ऊपर बर्फ जम रही है। करो हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, अगर ये हेलमेट नहीं होता तो भाई चलिए भाई, यही तो इसीलिए गार्ड्स के लिए कहते हैं हम। तो भाई चेकआउट करने का टाइम हो चुका है और बैग अपने लगेज पूरा तैयार है और अपनी खुशबू बाहर खड़ी थी ठंड में, इसके हालात देख लेते एक बार क्या है। ठीक है, लगा स्प्लेंडर से वो BS6 से लगा, BS6 से। तो भाई ठंड के कारण बाइक में ये दिक्कत आ रही है कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, बुलेट की कहानी यही है। अभी अपनी खुशबू को स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है। ठीक है, ये क्या हुआ? होगी 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 होगी, नहीं हुई। दो काटियो ना, 775 775। हाँ तो कोई नहीं यार, अभी तो चला। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, दोस्त दोस्त ए दोस्त ए दोस्त, तेरी दोस्त बड़ी मुश्किल में स्टार्ट हुई है भाई। तो भाई होगी, देखा स्टार्ट होगी अपनी खुशबू। अपने दोस्तों ने बहुत सारी दुआएं दी इसके बीच में खुशबू के लिए। चलो तो भाई ध्यान से देखो, ये टंकी है ना, टंकी के ऊपर बर्फ जम रही है। ये जब मैंने खोला, बर्फ है ना भाई, भाई देख लो, ये कांड हो गया देखो। तेल भी टूटी, गिरेगी तो जाएगी, गई गई खत्म। लो कंधा उठ, हाथ उठ नहीं रहा, तो फ्रेंड अगर आप इधर नारकंडा या कहीं पे या हिल स्टेशन जाते हैं जहाँ पे बर्फ है तो आप देख सकते हो यहाँ स्लिपरी है। और यहाँ पे अभी हमारे एक जो बाइकर था आकाश भाई, उसकी बाइक स्लिप होगी। मैं इन्हीं की बात करता है, ये ब्लैक आइस है जो बहुत खतरनाक हो जाती है, जैसे मोड़ के ऊपर एकदम से लीन करा है किसी ने और ये पूरी स्लिप हो गई। ये जो निशान है ये अपनी बाइक के ही है। ये विजिबल नहीं हो रहा, वही तो भाई साहब खतरनाक है। मिट्टी गिरवा दे, मिट्टी गिरवा दे, ये पकड़ो किसका फोन है भाई। एक एक काम करो, थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर यहाँ घेर दो, किसी और का ना लगे, है ना, है ना। तो भाई हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे थोड़ी मिट्टी घेर देते हैं। ना ना यो नहीं, फिर यो तो और खतरनाक चोट लग जाएगी फिर इसमें तो। अरे भाई आराम से, भाई ये सबसे खतरनाक है जो दिख भी रहा और भाई साहब हो सकता है बहुत साल लग जाए। तो दोस्तों इसीलिए हम बार बार कहते हैं हेलमेट का उपयोग करो, हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो। अगर ये हेलमेट नहीं होता तो भाई ये देख लो, ये स्क्रैच दिखाता हूँ, फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ आप, ये देख रहे हो, ये भाई हेलमेट था इसलिए भाई सर पे चोट नहीं लगी। इसीलिए सभी राइडर भाई उसे कहता हूँ कि पूरे गियर में अपनी राइडिंग करें और खास करके आप बर्फ में जाए तो इस चीज़ भाई बिल्कुल सावधानी पूर्वक
सेफ, अगर बचाया है हाथों को तो इसने, ठीक है ना। अभी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता बाइक में, तो नुकसान हुआ ही। अब आराम से चलते हैं आगे, और जितने भी भाई वीडियो देखे शेयर कर देना है, ताकि जो भी राइडर इधर आता है तो भाई प्लीज़ ध्यान से, हो सकता है आप हमारे से सीनियर राइडर हो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना। तो दोस्तों इस बार विंटर राइड में हमारी तीन बाइकों का एक्सीडेंट हो चुका है, मतलब गिर चुकी है, गिरी है, एक का हुआ था और दो गिरी है। तो अब दो बार पलटी गई, दो बार, लेकिन हमें इसमें शक है थोड़ा सा कि जो हमारी तीसरी बाइक गिरी है ना वो गिरी है या गिराई गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, गिरी है, पूरी प्लानिंग के साथ गिरी है या गिराई गई है, उसके पीछे पूरी प्लानिंग के साथ सब लोग गिरे। इधर इधर आओ, ये दिखाओ, सभी लोग गिरे। दिखाता हूँ कितना लगा है भाई साहब, बहुत ज्यादा, मतलब नुकसान बहुत हो गया है, वो दिखाता हूँ आपको कितना ज्यादा नुकसान हो गया है। ये देखो कितना ज्यादा नुकसान हो गया, और पूरी बाइक पे कहीं कुछ नहीं हुआ। और ये देखो इस पे भाई साहब, इस पे भी चोट लगी है, और ये देखो और पूरी बाइक सेफ है भाई। ये नुकसान और ये देखो, ये हाँ, ये थोड़ा सा ज्यादा कर दिया डैमेज है। तो भाई अब आप खुद कमेंट बॉक्स में डालना कि ये जानबूझ के गिराई गई है या खुद गिरी है। उधर देखो, दो पलटी खाई गाड़ी, फिर भी इतनी सेफ है, दो पलटी है तब भी गाड़ी सेफ है। इसका सेफ कहाँ है, सेफ पहुंचा कहाँ है, ये देखो दो पलटी खाने के बाद ये हो गया कांड इसका, ये सेफ है, ये देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है, दो पलटी का मतलब ये तो लोहे की है ना भाई, यू ये तो लोहा है ना पूरा, ये देखो इसका और हमारी तीसरी बाइक का है। बुलेट लेके जाओ पर सही है, और एक ये रही, इसका भी हुआ, मतलब। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं भाई विंटर राइड इतनी आसान नहीं है जितनी लोग समझते हैं, लेकिन हम है ना राइडर निकल ही जाते हैं भाई विंटर, हर साल निकल ही जाते हैं कहीं ना कहीं, और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ लड़कों का। चलो कोई नहीं, मिलते हैं आपको आगे। ये नया रास्ता खुल गया दोस्तों, टर्नल बन गया है यहाँ पे, और ये स्टार्ट हो चुका है सोलन का, जो सोलन हमने क्रॉस करा, तो यहाँ पे टर्नल, वाह मजा आ गया। अपनी बाइक की आवाज़ आप सुनती हुई दिखेगी मुझे, सही है भाई, सही है। यार बावड़ा है तू, तो कितनी बार समझाया यार कि लीन मत मार, अभी थोड़ी देर पहले यही समझा था मैंने तेरे को। हद है यार, कोई पता नहीं कहाँ ये रोड बंद कर दे यार, ज्यादा टाइम नहीं है। चोट तो नहीं लगी? ओ हीरो ठीक है, तो मैं देखा, मैंने कहा था, और अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी मेरी कि अच्छा लगवा लियो। यार एकदम से तुमने बंद कर रखा है ये, खुला हुआ है यार कोने पे, तुमने पहले लगाना चाहिए। पूरा बंद कर दो, बीच में लगा रखा है ये लोहे पे फंस गया यार। अगर उसमें कैटलेटिक कन्वर्टर के उसमें खड़ा हो
लात, अरे यार हट हट हट, चलो चलो हो गया, चलो हो गया भाई, थोड़ा देर बहन, दो तीन घंटे का रास्ता भाई, निकाल लो आराम से बहन की टांग, ठीक है ना, बचा लिया भाई, यही तो इसीलिए गार्ड्स के लिए कहते हैं हम, है लगी है, क्या लगी है, पैर पैर ऊपर यूं कर, ओ इसको ऊपर पहन ले, ऊपर कर यार, इसको ऊपर कर, चल ले एक बारी घूम ले एक बारी, गन्ने वन्ने में तो नहीं लगी ना, थोड़ा चल के देख, चल के देख उनका मूवमेंट हो जाएगा, राइडर देख रहा होता और उसको होता, तो भाई एक बंदा खड़ा है, ऐसे मत करो ना कि बिल्कुल ही टूट पड़ गया, कोई सिस्टम ही नहीं है यार आपका, और ये लोड़े ये बीच में खड़े हुए हैं, उड़ा टांग देता फिर उसे, पता नहीं गिर गया है वहाँ खड़ा हुआ गाड़ी के आगे में, गाड़ी नीचे खड़ा हुआ यार, मतलब ट्रिप में बैंड बजी है लड़कों की, मैंने देखा बहुत सारे लड़के, मतलब लगभग सारे ही गिर चुके हैं नीचे, कभी किसी की बाइक स्लिप हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, बहुत हार्ड है, बहुत बहुत हार्ड है, राइडिंग बहुत हार्ड है। तो की हाल चल भाई, ओके भाई, आज सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आज की जो राइड थी ना सबसे ज़्यादा टफ थी, क्योंकि जो हमारे लड़के थे नए थे, कई लड़के भाई साहब धूल चाटते हुए मिले, और अभी हम लोग हैं इस वक्त जीरकपुर में, और जीरकपुर में भाई हैरी भाई का वेट कर, तो दोस्तों हैरी भाई आ चुका है और अब हम लोग पहुँच चुके हैं अम्बाला, और अम्बाला हम लोग जाएंगे राइडर कैफे, आपको दिखाता हूँ नज़ारा। जीएस फिल्म आया होगा, जीएस आया हुआ है, जीएस है, ओ बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, खैर से ला लो भाई, चलो दोस्त फिर मिलते हैं ना, ओके। दोस्तों एक छोटा मीटअप करके निकल रहे हैं हम यहाँ से आगे, अब देखो मंजिल कहाँ तक लेकर चलेगी, दिल करेगा वहीं, तो भाई आज हम रुकने वाले हैं कुरुक्षेत्र में,